अस्सलाम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जेएनयू के बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इस कोर्स की सारी डिटेल, जो कि आपको एडमिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। दोस्तों आजकल आप जानते होंगे, सुनते भी होंगे, टीवी पर देखते भी होंगे, ऑनलाइन भी देख रहे होंगे आप, के मतलब आयुर्वेदा का काफी ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है। बहुत सारी नई नई कंपनीज इस फील्ड के अंदर आ रही हैं, लोग भी बहुत ज्यादा आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, वहां से ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, तो आप जरूर इसका भी ध्यान रखें, यहाँ से भी आपको आगे जाके एक अच्छा करियर मिल सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट टाइम पर पहुंचते रहें। उसे बात करते हैं, अगर आपको इसका फॉर्म भरना है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, दोस्तों फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 27 जुलाई से, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 27 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे, शाम को 5 बजे तक का टाइम है दोस्तों। लेकिन फीस पेमेंट अगर आपने पहले फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आप 27 अगस्त को रात को 11:50 तक बाय 11:50 यू विल बी गिवन चांस टू सबमिट योर फीस। तो आप 11:50 तक फीस सबमिट आप इसकी कर पाएंगे 27 अगस्त तक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर मैं बात करता हूं इसकी फीस, अगर आपको फॉर्म भरना है तो कितनी फीस आपको देना पड़ेगी। तो जेएनयू में अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग एप्लीकेशन फीस होती है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 400 रुपीज की फीस पे करना होगी, अगर आप और आप मतलब ईडब्ल्यूएस जब भी आपको 400 पे करना होगा, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं या आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 265 इसकी फीस पे करना होगी, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 65 रुपीज इसकी फी पे करना होगी, प्लस जो भी सर्विस चार्ज होगा बैंक का वो आपको एडिशनल पे करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कितनी सीट्स यहाँ पर आपके लिए हैं, तो यहाँ दोस्तों आपको सिर्फ 20 सीट मिलेंगी, जो कि जेएनयू ने पहले से ही उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके लिए 8 सीट हैं, और एससी कैटेगरी के अंदर 3 सीट हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं। अगर आप इनको एड अप करेंगे तो ये बैठेंगी 21, क्योंकि एक सीट दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी की है वो नॉर्मल सीट में काउंट नहीं होती है, वो एडिशनल सीट है। दोस्तों बात करते हैं इसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन दोस्तों जेएनयू में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा मतलब बायोलॉजी के लिए फॉर्म भर सकता है या उसमें एडमिशन ले पाएगा। तो यहाँ पर आपने क्लास 12 किया है, यहाँ दोस्तों उन्होंने जेएनयू ने एक बात को यहाँ इंडिकेट नहीं किया है, ये साइंस में मांग रहे हैं, इन्होंने ये ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है इसके अंदर, बिल्कुल भी ये बात जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। यहां सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको क्लास 12 पास किया होना चाहिए विथ 45% मार्क्स हैं अगर आपके इन एग्रीगेट, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। मेरे दोस्तों क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं ये सबको ले रहा हूँ कि चाहे आपने आर्ट्स में किया हो, चाहे कॉमर्स में किया हो, चाहे आपने साइंस में किया हो, तो ऐसा लग रहा है इसके कि तीनों ही जो है इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बात करते हैं अब इसका सिलेबस, सवाल आपको कहाँ से मिलेंगे। तो सिलेबस जो है इसका वो आपको 10+2 लेवल की जो सीबीएसई, वहां से आपको संस्कृत भी आएगी, साइंस भी दोस्तों आएगी और जनरल एप्टीट्यूड के सवाल भी आपको मिलने वाले, जो कि आपके मेनली रीजनिंग है या आपकी थोड़ी जीके की सवाल भी आपको इसमें मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, बस यहाँ लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड। दोस्तों बात करते हैं इसका पेपर का पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 100 सवाल मिलने वाले हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, तो आप बेधड़क बिना डरे तुक्का मार सकते हैं, तुक्के मारने से कोई आपको हार नहीं होने वाला है, क्योंकि गलत सवाल पे आपका कोई मार्क कटने वाला नहीं है। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ फीस के बारे में, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर कितनी फीस आपको पे करना होगी। दोस्तों जेएनयू में सबसे सस्ती फीस आपको मिलती है, तो यहाँ पर आपको लगभग 350 से 400 रुपए एक साल की फीस यहाँ पर पे करना होगी, 5 साल के दोस्तों एक कोर्स है, 3 साल की बीएससी होगी और 2 साल को आपको दो साल की आपको यहाँ पर एमएससी भी साथ साथ ही, एक बार आपका एडमिशन हो जाएगा 5 साल बाद आप 62 डिग्री लेके जेएनयू से निकल जाएंगे। उसी मैंने आपको बताई सारी डिटेल जेएनयू के बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायो के बारे में, आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी,
अगर आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।